अगर आपको लगता है कि आप इतना पैसा नहीं दे सकते कि जिससे किसी का कारोबार सेट हो जाए तो आप तीन चार लोग मिलकर यह काम कर लें और दें उन लोगों को फिर अगर आपको ये डाउट है कि जी वो पैसा इधर उधर होगा तो यू कैन कीप चेक बैलेंस उससे भी आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं आप उन्हीं में से किसी एक एतबारी बंदे को उठाएं उसको उसकी मॉनिटरिंग पे लगा दें कि जी ये कारोबार है इनके घरों में इतना इतना महीने का जाएगा ताकि कल ये जकत वाले खाते से बाहर आ जाएं। अखोवत का मॉडल हमारे सामने सामने है uh, यार उसका मॉडल हमारे सामने है जो हिजरत हुई थी मक्का बिल्कुल वो सबसे बड़ा मॉडल है और आप देखें कि कितना इम्पोर्टेंट था पैसा मिसाल के मदीना भी जी बिल्कुल कि uh, जब नबी सबसे पहले वो हिजरत करके वो पहुंचे तो उन्होंने जो होस्ट्स थे उनको ये बोला कि द फर्स्ट थिंग इज दैट कि जितनी आपकी जरूरत है बस आप उतना पैसा रखें बाकी बांटें आप इनमें तो जब आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने लिए समेटेंगे जब आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने लिए रखेंगे लग्ज़रीज कम्फर्ट्स की आदत एक चलें वकती तौर पर से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कॉम से कि प्लीज़ कुछ सालों के लिए अपनी लग्जरीज़ को अपने जो आप लोगों के कम्फ़र्ट्स हैं उनको खुदारा ज़रा साइड पे करके तो उन कम्फ़र्ट्स में से दूसरे लोगों को सपोर्ट करना शुरू करें और प्लीज़ पैसा मत दें रोटियाँ मत दें नहीं पेट भरना तीस दिन के बाद फिर तीस दिन के बाद वो बेचारे नौ महीने ग्यारह महीने वही भूख काटते हैं वही फिर अच्छा फिर जब भूख आएगी तो फिर आपकी करप्शन बढ़ेगी फिर कोई चोरी करेगा फिर कोई बैंक में डाका डालेगा फिर कोई स्ट्रीट के क्राइम फिर आप गली में स्ट्रीट्स के बीच में आप देखें सोसाइटीज के बीच में अगर एक घर में चार गाड़ियां तो मैं तो कहनी हूँ चंगा जी बहर खड़ी हो को चुक के ला <laughs> <laughs> क्योंकि जो जरूरत तो जा तो अब आपके घर की अंदर जगह ही नहीं है इतनी गाड़ियाँ खड़ी करने की मतलब आप एक वक्त में कितनी गाड़ियों में ट्रैवल कर सकते हो यार दैट्स द क्वेश्चन